जो रिश्तेदारों को और अपने निजी परिवार के लोगों 100 करोड़ रुपया तो काम उनका एक जमाई राजा करके चला है। अपने चेतों से आप जब काम करवा रहे हो तो गुणवत्ता को कौन देखता है। बड़ी कंपनियों को काम देने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया तो जाहिर तौर पे बहुत कुछ दाल में काला है। वो बेरोजगारों के साथ मजाक हुआ कि जिला मंडी में 10 हल्के हैं, 10 हल्कों में एक भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। हेलो, वेलकम टू द न्यूज राउंड। आप सबके साथ मैं प्रतिमा राणा। आज हम पहुंचे हैं धर्मपुर और धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मपुर के एरिया में क्या कुछ खास चल रहा है उसको लेके बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं सर आपका। सर, ऐसे बहुत सारे एलिगेशन है जल शक्ति विभाग को लेकर भी कि इसके ऊपर फंडिंग को लेकर बहुत सारी बातें जो है सामने आई थी, उन एलिगेशन को आप कैसे मानते हैं कि वो एलिगेशन सही है? उन तथ्यों पर आप क्या बात करना चाहेंगे? जो भी काम, जो भी पाइपों को लेकर बात करें, जो घोटाले हुए हैं, सब चीज़ों को लेकर आप इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं? ये बात सही है कि जिस तरह से उस बहुत बड़ा फंडिंग थी ये जल मिशन की, उससे जिस चीज़ को अचीव करना था वो अचीव नहीं हो पाया। और आज भी लोग, इन्होंने तो कहा कि 100% नलके लग गए, जबकि आज भी बहुत सी जगहों पर जनता की मांग है कि नलके उनको चाहिए। और बहुत सी अपग्रेडेशन जो पाइपों की होनी थी वो हो नहीं पाई। जहाँ पे जो बड़े घनी आबादी के गांव थे उनके लिए वही आधे इंच की पाइपें आज भी हैं। तो जो पानी की गुणवत्ता में बेहतरी आनी थी और जो पाइपों का अपग्रेडेशन होना था उस पैमाने पर नहीं हुआ, बल्कि बड़े ठेकेदारों को, बड़ी कंपनियों को काम देने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया। और जो जो जनता की उम्मीदें अपेक्षाएं होती हैं किसी भी बड़े मिशन से, बड़े उससे, वो पूरी नहीं हो पाई। तो जाहिर तौर पे बहुत कुछ दाल में काला है और सुने रहते सरकार इसके ऊपर संज्ञान लेगी, मेरा ऐसा विश्वास है। साहब ने बताया कि जो मंत्री थे वो यहीं से बिलोंग करते थे और अब आप यहाँ पर हैं, तो आपने ऐसे कोई तथ्य जोड़ने की कोशिश करी है कि इन सब चीज़ों के ऊपर आप सामने आ सकें और सच बता सकें आम जनता को? देखिए, जो सबसे बड़ा जो कार्य हुआ पिछले समय में वो बेरोजगारों के साथ मजाक हुआ। जो जो लगभग 1400 बच्चे तो मेरे अपने हलके में हैं और मेरा अनुमान है ऐसे तथ्य हम जुटा रहे हैं और मुझे कई विधायकों से चर्चा में ये पता चला, पूरे हिमाचल के पैमाने पर अपने पॉलिटिकल एजेंडे को लागू करने के लिए पिछली सरकार के मंत्री ने अपने वोट बैंक को साधने के लिए बेरोजगार बच्चों के साथ मजाक किया। अभी 4500 रुपये में आप ये देखिए किसी के परिवार का गुजारा नहीं, और फिट रखे गए हैं, फिर पंप ऑपरेटर रखे गए हैं, जल रक्षक रखे गए हैं, 922 की तादाद तो धर्मपुर के अंदर आधिकारिक तौर पर, वहाँ पर ऐसा हुआ है। यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं हुई हो, यहाँ पर ITI जिन्होंने कर रखी है, जिन माँ बाप ने बड़ी गाड़ी कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाया, उन बच्चों को इंटरव्यू तक के लिए नहीं बुलाया गया। इंटरव्यू में अगर वो रिजेक्ट होते तो कोई बात नहीं था। सिंगल लाइन रेजोल्यूशन था वो ये कि अपने पार्टी के लोगों पर उनको एडजस्ट करना था, और उन्होंने वो काम धर्मपुर क्षेत्र के अंदर किया और उनको पॉलिटिकल एजेंट के तौर पर तैनातियाँ दी। ये एक बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है कि अनक्वालिफाइड लोग जो है फिटर हैं, तो इस तरह का हेरा फेरी का जो आलम था वो अपने चरम पर था। तो ये धर्मपुर क्षेत्र की ये कहानी। हाँ सर, जैसे कि सरकार ने बढ़े सभी इस पूरे टाइम में, अगर हम धर्मपुर की बात करें तो सड़कें भी हालत खस्ता ही रहती है। जो बदलाव आम जनता चाह रही थी फिलहाल के लिए वो नहीं है, क्योंकि PWD विभाग भी अगर बात करें तो सड़कें ताली करने की बजाय और कोई तारे फिलहाल कम नहीं कर रहा, तो आपने इस चीज़ के ऊपर संज्ञान लिए हैं? हाँ, निश्चित तौर पर धर्मपुर क्षेत्र के अंदर लगभग कोई 800-900 किलोमीटर सड़कें बनी हैं और उसमें लगभग अभी भी 40% सड़कें पूरी तरह कच्ची हैं। और जो सड़कें मुख्य धारा के साथ हमारे मुख्य इलाकों पर जोड़ती हैं उनकी स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं, बहुत अच्छी नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में हम जनता की उम्मीदों के मुताबिक उस बजट को सही तरीके से इसका निपटारा करें, उसको सही तरीके से लगाए। और जो एक ठेकेदारी व्यवस्था का बहुत बड़ा बोलबाला यहाँ पे रहा, जो रिश्तेदारों को और अपने निजी परिवार के लोगों पिछले कल भी एक बहुत बड़ा संज्ञान माननीय उस रैले के अंदर हुआ है, जिसमें इनके अपने ही
दामाद के द्वारा, जिन्होंने पिछली सरकार ने भी इनको भी नापो चने चबवाए अपने ही ससुर जी को जो मंत्री थे उसको भी, लगभग लगभग कुछ 60 और 70 के बीच में इन्होंने रोड का एक ही पति की ठेकेदार ने काम किया, तो आप वहीं से अंदाजा लगा सकते हैं लगभग 100 करोड़ रुपया तो काम उनका एक जमाई राजा करके चला गया। इस तरह से बहुत से रिश्तेदार थे, तो जब रिश्तेदारों की सरकार हो और उसके मुखिया आपके अपने चहेते हों, अपने चहेतों से आप जब काम करवा रहे हो तो गुणवत्ता को कौन देखता है, उस वक्त तो लूट थी। तो इस लूट का एक बड़े लंबा इतिहास बन गया इस क्षेत्र के अंदर, जिससे बाहर निकलना और जिसके जनता को, जिसके साथ जनता को बताना, वो सारी चीज़ें बड़ी चुनौती हैं हमारे सामने। लेकिन मैं इस बात का आपके माध्यम से मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि जो भविष्य के अंदर हमारा स्पष्ट तौर पर ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होगा और गुणवत्ता के आधार पर हम जनता के जो गाड़ी कमाई है, जनता के टैक्स से जो पैसा बनता है, सरकार इस पैसे को खर्च करती है, उसको हम सही तरीके से जनता के हित में लाएं। सड़कों का खुला होना, सड़कों का पक्का होना, ये प्राथमिकता रहेगी। मैं इस पे बड़ा क्लियर। सर आपके सवाल मेरा आपसे रहेगा, धर्मपुर में सिविल हॉस्पिटल जो है वो बना है, पर डॉक्टरों की तैनाती को लेकर के क्या कुछ आगे के बारे में आप सोच रहे हैं, क्योंकि कमी है वहाँ पर और सीधा ना तो बांदा या हमीरपुर रेफर किया जाता है। तो क्या यहाँ पर कोई स्पेशलिस्ट और होने चाहिए, और हो रहे हैं तो वो कब तक यहाँ पर तैनात होंगे? मुझे बताते हुए इस बात का बड़ा दुख है कि जिला मंडी में 10 हलके हैं, 10 हलकों में एक भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं। यानी आपका एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन करने वाला एक भी आदमी इस वक्त पूरे जिला में नहीं। पेडिटिशियन जो हैं जिला प्रमुख मुख्यालय में हमें मिलेंगे, ऑर्थोपेडिशियन हमें जिला मुख्यालय में मिलेंगे, गायनेकोलॉजिस्ट हमें जिला मुख्यालय में मिलेगा, और जिला मुख्यालय से जो दूरी है गाँव की दूरी अमूमन 150, 100, 200 किलोमीटर तक की। निश्चित तौर पर सरकार इस पर बड़ी गंभीर है और ये मेरी प्राथमिकता है। मैं इस पर तो निजी क्षेत्र का भी सहयोग चाहूँगा अगर सरकार के हाथ खड़े हो जाते हैं ऐसे हालातों पर। और ये देखिए, मैं विधानसभा में भी बोला कि शिमला के आसपास ही लगभग 150, 200, 250 डॉक्टर जो जिला मुख्यालयों के आसपास सभी अपने परिवारों की सहूलियत के लिए जिला मुख्यालयों और राज्य मुख्यालय के आसपास नौकरियां करना चाहते हैं, और जो दूर क्षेत्र हैं, जो दूर दराज क्षेत्र हैं, वहाँ पर कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर आना ही नहीं चाहता है। उसमें कई वजह हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन में कमज़ोर हो सकता है, लेकिन जिस तरह से प्रोफेशन के एथिक्स हैं और जिस एथिक्स को लेकर उन्होंने डॉक्टरी का प्रोफेशन चुना, उसका उससे भी वो लोग पीछे हट रहे हैं। ये बड़ा दुखद है। और वो बच्चे कोई और भी हो, हमारे ही गाँव से निकले हुए लोग हैं, लेकिन बेहतर जीवन की सुविधाओं को अचीव करने के लिए वो जिला मुख्यालयों और उसके आसपास के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं सीमित करते रखे हैं। मैं सभी से अपील करना चाह रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जहाँ पर हमारी आबादी लगभग 70 और 80% है, उन क्षेत्रों की तरफ अगर ध्यान नहीं देंगे तो पूरा का पूरा लोड मेडिकल कॉलेजों में रहेगा, जिला मुख्यालयों में रहेगा, और उस लोड को भी हम सही तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, उनके साथ भी न्याय नहीं कर पाएंगे। अंततः हमें जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं ग्रामीण स्तर पर लाने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जरूरत है। और मुझे विश्वास है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बार बजट के अंदर कहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक आदर्श अस्पताल बनेगा जिसमें हम पूरे के पूरे डॉक्टरों से लैस करेंगे। मैं उस बजट को बड़ा विकास उन्मुखी तथा बड़ा आशावादी हूँ कि उस बजट के जो आवाज है उसका असर हमारे गांव के एक एक अस्पताल अस्पताल तो ऐसा, और जिसमें मूलभूत सुविधाओं से ये पूरी तरह से लैस हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आह्वान उन्होंने बजट के माध्यम से किया है, मैं उसको लेकर बड़ा आशा रखता हूँ कि वो हम जल्दी पूरा करेंगे। और सरकार और हमारा निर्देशालय, हमारी सरकार और जो डायरेक्टरेट ऑफ कैंसर सर्विसेज है, वो इसके ऊपर संज्ञान लेगा और इसके ऊपर जरूरी तत्परता से काम करेगा। Make sure to drop a like and comment, and don't forget to subscribe to the News Radar.